हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरत चंद्र पांडे। आप जैसा कि जानते हैं, बिहार विशेष में हम आज बिहार की मिट्टियां पढ़ने वाले हैं। थंबनेल पर जैसा कि लगा हुआ है आपने देखा, बिहार की मिट्टी से जो प्रश्न है, एक प्रश्न तो आपके प्रारंभिक परीक्षा में तय होता है, आना होता है। साथ ही साथ आप जब मुख्य परीक्षा भी दे रहे होते हैं, उस दौरान भी आपसे जो कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यह जो टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को साथ में कवर करता है। बिहार की मिट्टियों की अगर बात करें तो हम दो तरह से देखेंगे। जैसा कि थंबनेल पे आप देखते हैं कि मैप के साथ देखते हैं चीजों को, तो हम यहाँ पर पहले मैप देखेंगे किस रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। उसके बाद एक एक मिट्टी के विषय में वह किस क्षेत्र में पाई जा रही है, उस क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को साथ में लेते हुए चलेंगे। बिहार मृदा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलें प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मैप के माध्यम से मृदा को देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, अगर देखा जाए तो वहां पर आपको मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, तराई क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां गया में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा होती है, वहीं किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जहां बिहार के मध्य क्षेत्र में आप देखेंगे जलोढ़ मृदा की भरपूर मात्रा दिखाई देती है, एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र तैयार होता है। तो वहीं उत्तर की तरफ चले जाएं, पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। दक्षिण में चले जाएं, जहां आपको गया हुआ, नवादा हुआ, जमुई हुआ, बांका हुआ, इधर आपका रोहतास कैमूर हुआ पश्चिम की तरफ, इन क्षेत्रों में पठारी मृदा आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए मिट्टी के दृष्टिकोण से, मृदा के दृष्टिकोण से बिहार के पास बहुत ज्यादा वैविध्य देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बिहार के सबसे उत्तरी जिला, जिसे आप पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं, अगर देखें तो यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी का रेंज है, आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, और यह शिवालिक हिमालय के दक्षिणी हिस्से का जो है एक भाग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जब शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी है, तो यहाँ पर निस्संदेह पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का कुछ हिस्सा लेते हुए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पर्वतपदीय क्षेत्र से, यहां से बिल्कुल नीचे लेते हुए आप देख सकते हैं जो पहला ये आपको कवर दिख रहा है, ये आपको पूर्वी चंपारण से लेते हुए किशनगंज तक के क्षेत्र को, यहां पर आप देखेंगे तो यह तराई मृदा पाई जा रही है। तराई मृदा की विशेषता क्या होती है, तराई मृदा किस प्रकार की होती है, इन सबके बारे में हम आगे चीजों को देखेंगे। पश्चिमी चंपारण के कुछ हिस्से से लेकर किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर, ये जो इसकी रेंज है, यह जो इसकी चौड़ाई है, ये कितनी है, ये 5 से 7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है, लंबी सी, ठीक है। इसके बारे में विशेषताएं आगे बताएंगे। उसके जब नीचे आप आते हैं तो इस तरह की ये इस मिट्टी को आप देख रहे हैं, ये मिट्टी कैसी मिट्टी है, इसे बांगर या बलसुंदरी कहा जाता है। यह पुरानी जलोढ़ है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ है, इसे बांगर या फिर बलसुंदरी भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार पाया जाएगा पूर्णिया और सहरसा जिला के कोसी वाले क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि और नदियां हैं, जो कि बिहार में हिमालय से आने वाली कई नदियां हैं, आप यहां से देखेंगे घाघरा से लेते हुए गंडक, पूर्वी गंडक, बूढ़ी गंडक, इस तरह के तमाम नदियां का एक आपको जाल बिछा मिलेगा। तो इस क्षेत्र में बांगर या बलसुंदरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दूसरी तरफ ठीक उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, खादर मृदा यहाँ पे पाई जाएगी। खादर को नवीन जलोढ़ भी बोला जाता है, नवीन जलोढ़ को ये खादर मृदा के रूप में जाना जाता है। उसके ठीक नीचे आएंगे आप तो टाल मृदा आपको देखने को मिलेगी। टाल मृदा, टाल मृदा क्या होती है, जो गंगा जी का क्षेत्र है, गंगा जी के क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है, 8 से 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है। आप देख रहे हैं बिहार के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक, इसे टाल मृदा कहा जाता है। यहाँ अक्सर जल भराव रहता है, जल भराव के कारण इस प्रकार की मृदा का
जन्म होता है, जल भराव इसके लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में है, लेकिन यह मृदा जो है खरीफ के फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उसके नीचे आप आएंगे करेल केवाल पुरानी जलोढ़ मृदा। करेल केवाल इसका विस्तार भी गंगा के दक्षिण मैदान में रोहतास से लेकर, ये जिला आपको यहाँ पर रोहतास मिलेगा, बक्सर, रोहतास, ये सब जिले हैं, या कैमूर है, तो यहाँ से लेते हुए आप रोहतास से लेके भागलपुर तक, ये क्षेत्र देख रहे हैं लास्ट वाला, भागलपुर तक, यहाँ तक करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ का विस्तार देखने को मिलता है। उसके नीचे वाले क्षेत्र में आएंगे तो पठारी क्षेत्र कहा जाता है, ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वह लाल पीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली प्रकार की मृदा। कैमूर से, राजमहल से 8 से 15 किलोमीटर लंबी एक चौड़ी पट्टी जो है पाई जाती है। उसके बाद ये है लाल बलुआ मिट्टी, ठीक है, बिंधन का विस्तार यहां तक देखने को मिलता है और सोन नदी का प्रवेश इधर से ही होता है, तो यहां पर लाल बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आशा करता हूं मैप के माध्यम से आपने इन मिट्टी के बारे में समझ लिया होगा किस क्षेत्र में कहां किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब हम एक एक करके इस प्रकार से जो भी बिहार में मृदा पाई जा रही है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखें कि जो मृदा होती है बिहार के, मुख्य रूप से दो प्रकार की मृदा पाई जाती है, अवशिष्ट मृदा और अपोढ़ मृदा, ठीक है। तो बिहार की प्रमुख मिट्टी, बिहार की प्रमुख मृदा कौन कौन सी प्रमुख मृदा है बिहार की? एक अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा, और एक आपका अपोढ़ मृदा। अवशिष्ट और अपोढ़ मृदा ये मूल रूप से दो। जो अवशिष्ट मिट्टियां हैं क्या होती हैं? वह मिट्टियां जिनका निर्माण मौजूदा चट्टान से हुआ हो, मतलब एक मान लीजिए कि यह चट्टान हो गई, ठीक है, यह चट्टान हो गई, अब अपरदन अपक्षय के द्वारा इस चट्टान पर तमाम प्रकार से रासायनिक और अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी का कण बना, ठीक है, और इस तरह से ये कण यहीं पे जमा हो गया, और यहां पर चूंकि चट्टाने ही तो मृदा का स्रोत होती हैं, तो जिस प्रकार से जनक चट्टान होती है उसी तरह से वह मृदा होगी, तो जनक चट्टान से जो उत्पत्ति हुई है और वह जिस स्थान पर ये बड़ी सी बड़ा सा चट्टान है इसकी टूट फूट जब हुई तो जो ये मृदा बनी यह यहीं पे है और यहीं पे इसकी जनक चट्टान भी, यानी कि माता पिता भी इसके यहीं हैं और बच्चे भी यहीं हैं, तो इस प्रकार की जो मृदा होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे अवशिष्ट मृदा कहा जाएगा। तो वह मिट्टी जिनका निर्माण स्थल आप इसे कह सकते हैं, वह मिट्टी मृदा, वह मृदा जिसका निर्माण स्थल मौजूदा चट्टान से ही हुआ है, मतलब निर्माण जो हुआ हो मौजूदा चट्टान से ही हुआ हो, पास की चट्टान से ही हुआ हो, पास की चट्टान से ही हुआ हो, उसे अवशिष्ट मृदा कहा जाता है। अब ये तो अवशिष्ट मृदा हो गई, अब एक दूसरे प्रकार की मृदा है वो क्या है? अपोढ़ मृदा। तो कहेंगे कि वो मिट्टी अवशिष्ट मृदा के विपरीत क्या होता है? ये प्रवाहित होके बनती है, मतलब यह अपनी, यह मिट्टी, मिट्टी थोड़ा हल्का शब्द हो जाता है, यह मृदा अपनी जनक चट्टान से, जनक चट्टान से विभिन्न प्राकृतिक, विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से,
स्रोतों के माध्यम से परिवहित होकर निर्मित होती है। ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे, इसे कहा जाएगा अपोढ़ मृदा। इसे क्या बोलेंगे, अपोढ़ मृदा। मतलब जैसे अब मान लीजिए कि कोई मिट्टी पटना के क्षेत्र में पाई जा रही है, लेकिन पटना के क्षेत्र में उसकी जनक चट्टान मौजूद नहीं है, तो भाई वो आई कहां से मिट्टी। ठीक है, अगर वो मिट्टी वहां पाई जा रही है तो या तो वो अवशिष्ट प्रकार की होगी, तो अगर वो अवशिष्ट प्रकार की है होगी तो जनक चट्टान भी वहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस मिट्टी की जनक चट्टान वहां मौजूद नहीं है फिर भी वो मिट्टी पाई जा रही है, तो इसका एक तात्पर्य है कि यह मिट्टी हवा के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर उड़ाकर उसे वहां पे लाया गया है। और इस प्रकार से जो मृदा होती है उसे अपोढ़ मृदा कहा जाता है। गंगा के मैदान में मुख्यतः गंगा के मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः गंगा के मैदान में यह पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी टोटल जो है, हमने देखा कि दो जो विभाजन है बिहार की मृदा का वो दो प्रकार से देखने को मिला। अब भौतिक रासायनिक संरचना के आधार पर अभी तक हमने मोटा मोटी देखा कि कितने प्रकार की मिट्टी होगी, लेकिन अब इसमें भी इसके कई अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। चले अब अलग अलग रूपों में देखें तो भौतिक रासायनिक तथा संरचना के आधार पर मृदा का विभाजन, मृदा का विभाजन। अब ये कितने प्रकार के हैं थोड़ा सा इस पे हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में देखेंगे। ठीक है, पर्वती नहीं, तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में सबसे पहले देखने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा क्षेत्र बिहार का कवर करती है। तो तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा अगर बात करें तो यह बिहार की उत्तरी सीमा के साथ में कहां से कहां तक, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। ठीक है, पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक विस्तृत, किशनगंज तक ये विस्तारित है। 5 से लेकर 7 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी के रूप में विद्यमान है। ठीक है, 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, ठीक है, चौड़ी पट्टी के रूप में ये विद्यमान है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है,
तराई मृदा है इसका रंग भूरा और पीला होता है, ठीक है। रंग भी पूछा जाता है, रंग भूरा और पीला। देखिए इसके बारे में अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए, जैसे कि सुनने में आ रहा है कुछ जो है ऐसे जो है अप्रमाणित सोर्स हैं, मैं सबको अप्रमाणित ही कहता हूं, क्योंकि जब तक आयोग न कहे तब तक किसी चीज पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो कुछ अप्रमाणिक सोर्स हैं, उनका कहना कि एग्जाम टलने वाला है बिहार पीसीएस का, ठीक है। तो अब इसमें क्या आपको करना है कि अगर आप चाहते हो कि डिटेल में हम बिहार पीसीएस की तैयारी करना और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, और इस प्रकार की जो वीडियोज आ रही हैं आप इनके बारे में चाह रहे हैं कि पूरा भूगोल आपको अच्छे से मिले, पूरा इतिहास आपको अच्छे से पढ़ने को मिले, तो आप जाहिर सी बात है तैयार रहिए इस बात के लिए। हमारे तरफ से कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिला, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, तो यहाँ पर आपको ऐसे तमाम कोर्सेज मिलेंगे जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके बिहार पीसीएस की। और उसमें आपको न केवल हर विषय विशेषज्ञ आपको जैसे भूगोल के विशेषज्ञ भूगोल पढ़ाएंगे, इतिहास के विशेषज्ञ इतिहास पढ़ाएंगे, पॉलिटी के विशेषज्ञ पॉलिटी पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट विशेष वीडियो आपको आसानी के साथ मिलेगी। तो प्रयास यह करें आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, तभी जाके हम इस प्रकार के कोर्स को चलाने में जो है सक्षम हो पाएंगे। आपकी तरफ से सपोर्ट जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं, तब जाके हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर ये चीजें फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी। इसमें इस मृदा में क्या है कि कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसमें कंकड़ और रेत कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। इसलिए अब जब जिस मिट्टी में कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक हो तो वह मिट्टी उपजाऊ होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए प्रकृति से यह कम उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। अब चलें अगली मृदा हमारी कौन सी आ जाती है? अगली मृदा हमारी आएगी भांगर, या आप उसे बांगर कहते हैं, या बलसुंदरी, ठीक है। बांगर, भांगर या बलसुंदरी, या बलसुंदरी ये बोला जाता है इस मृदा को, ठीक है। अब इस मृदा के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है? सबसे पहली बात इसका विस्तार। तो यह इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, मतलब जैसे कोई एक नदी है, ठीक है, कोई एक नदी इस क्षेत्र से निकली, ठीक है, इस क्षेत्र से निकली, वो नदी बहते हुए इस तरह जा रही है, ठीक है। अब ये नदी कभी किसी समय से, ये नदी इसका प्रवाह क्षेत्र यहां तक था, ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र यहां तक था, ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि इसका प्रवाह क्षेत्र सिकुड़ता गया, ठीक, ये इसका प्रवाह क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र इसका हुआ करता था, लेकिन करंट में ये नदी केवल इतने में बह रही है। तो पहले ये नदी जब इतने क्षेत्र में बहती थी तो जो पर्वत से मृदा लाती थी काट काट के वहां डिपॉजिट करती जाती थी, यहां पे अवसाद जमा करती जाती थी। अब इस तरह से यहां अवसाद जमा होते रहते थे, लेकिन अब ये नदी कितना भी बाढ़ आए केवल इतने में ही रहती है, यानी कि किसी भी हाल में नदी यहां तक नहीं पहुंचती। तो इसलिए जो पुरानी जलोढ़ है, नया जलोढ़ यहां डिपॉजिट कर रही किनारे किनारे, लेकिन पुरानी जलोढ़ जो है अब उस तक ये नदी नहीं जाती है, तो इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ नाम दे दिया जाता है। तो आप इसे क्या बोलेंगे? इसे पुरानी जलोढ़ की संज्ञा देंगे। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसे हम एक नाम से संबोधित करते हैं, किस नाम से? पुरानी जलोढ़, ठीक है, इसे पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि अब नदी उस स्तर पर नहीं पहुंचती जहां कभी वह बहा करती थी, ठीक है। इसके विस्तार के बारे में अगर बात करें तो तराई के ठीक दक्षिण में, मैप हमने देखा था, तराई के ठीक दक्षिण में पूर्णिया तथा सहरसा जिले के, ठीक है, तराई के ठीक दक्षिण, ठीक दक्षिण
पूर्णिया, सहरसा, कोसी के क्षेत्र में, कोसी नदी के क्षेत्र में ठीक है। ये जो है हमें दिखा रहा है कि कहां इस क्षेत्र का विस्तार है, किस नदी में प्रमुखतया ये मिट्टी पाई जा रही है। अब इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है, इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है ठीक है, ये भी पूछा जाता है ठीक है। मृदा की प्रकृति क्षारीय है, इसलिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की अधिक आवश्यकता ठीक है, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति की है ठीक है। अब इसमें जो रंग इसका कैसा होता है, हल्का भूरा, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा इस मिट्टी का रंग होता है। चलें अगली मृदा कौन सी आने वाली है, अगली मृदा आपके सामने प्रेजेंट है ताल या टाल मिट्टी मृदा, ताल या टाल मृदा ठीक है। इस मृदा के संदर्भ में देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। गंगा के दक्षिण भाग में ठीक है, गंगा के दक्षिण में आठ से दस किलोमीटर चौड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी में यह मृदा पाई जाती है, आठ से दस किलो मोटे कण वाली मिट्टी होती है इसमें ठीक है। इसमें जो मृदा होगी मोटे कण वाली, मोटे कण वाली मृदा ठीक है, मोटे कण वाली मृदा होती है। और वर्षा के जल भरे होने के कारण वर्षा काल में इसमें जल पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वर्षा के जल के कारण, वर्षा के जल के कारण खरीफ के लिए उपयुक्त है, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यह अधिक उर्वर मिट्टियों, अगर बात करें कि उर्वरता की दृष्टि अधिक उर्वर मिट्टियों में से एक मानी जाती है ठीक है। अधिक उर्वर मिट्टियों में से एक, अधिक उर्वर मिट्टियों में से इसे एक माना जाता है। तो यह क्या हो गई हमारी ताल या ताल मृदा ठीक है। अब अगली मृदा जो हमारी आती है वो कौन सी है, खादर ठीक है, खादर मृदा, खादर मृदा, खादर मृदा में क्या क्या शामिल है, खादर मृदा में कौन कौन आते, जैसे इसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है, नवीन जलोढ़। अब अगर आपने पुरानी जलोढ़ का कॉन्सेप्ट समझा होगा तो नवीन जलोढ़ भी आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसका विस्तार भांगर के दक्षिण क्षेत्र में है या बांगर के, इसका विस्तार
बांगर के दक्षिण में है, इसका विस्तारित क्षेत्र। इसकी प्रकृति गैर क्षारीय है और अधिक उपजाऊ। प्रकृति गैर क्षारीय और अधिक उपजाऊ। गैर क्षारीय और अधिक उपजाऊ है यह प्रकृति से। इसका रंग कैसा है? गाढ़ा भूरा। ठीक है, रंग गाढ़ा भूरा है। ठीक, ये हो गया। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण मृदा आ रही है वो कौन सी होने वाली है? अगली करेल केवाल या पुरानी जलोढ़। करेल केवाल थोड़ा सा अलग दिखेगा, करेल केवाल, क्योंकि पुरानी जलोढ़ में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यही मान के चलें। ठीक है, करेल केवाल मृदा। ठीक है, ये मृदा, इस मृदा के संदर्भ में अगर बात करें, इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग रोहतास से लेकर भागलपुर तक, पश्चिम से लेकर पूरा पूरब तक, तो रोहतास से लेके भागलपुर तक। रोहतास से लेकर भागलपुर तक ये पाई जाती है ये मृदा। करेल मिट्टी में क्षारीय गुण होते हैं। ठीक है, करेल मृदा में क्षारीय गुण होते हैं। ये इस मृदा की एक सबसे बड़ी खासियत है। और केवाल मिट्टी में अम्लीय गुण होते हैं। दोनों का अंतर पाया जाए, केवाल में अम्लीय गुण। इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों तथ्य आपको प्रीलिम्स में उलझाने के लिए एग्जामिनर प्रयोग कर सकता है इनका। ठीक, अगला जो आता है, महत्वपूर्ण मृदा है हमारी बलथर मिट्टी। ठीक है, बलथर मृदा, बलथर मृदा आ रही है। बलथर मृदा के संदर्भ में अगर बात करें, कैमूर से राजमहल तक। ठीक है, कैमूर से राजमहल तक, राजमहल तक यह 8 से लेकर 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी पाई जाती है इसके क्षेत्र में। उर्वरता इसकी काफी कम है। ठीक है, उर्वरता काफी कम है, इसकी उर्वरता काफी कम है। प्रकृति इसकी अम्लीय है। ठीक है, प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय क्षारीय, अम्लीय क्षारीय, ये कंफ्यूजन मत करिएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हमारी आज रही बिहार की मृदा, और यहां से एक प्रश्न तय है कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आशा करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।